तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्ष गौतम टेक। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो लॉकडाउन के ऊपर कि लॉकडाउन कब खुलेगा। इस वीडियो का पर्पज ये है कि मैं आपको बता दूं और इन्फॉर्मेशन दे दूं जो भी केजरीवाल ने दी है कि सीएम जो है हमारे दिल्ली के, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि अनलॉक मतलब होने वाला है। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये बात करते हैं कि जो हमारे केजरीवाल हैं, उन्होंने ये बोला है कि अनलॉक करने का टाइम आ चुका है। 31 तारीख को सुबह 5 बजे अपनी दिल्ली अनलॉक 0.1 पे आ जाएगी। मतलब इसके अंदर होगा क्या, डेली पर्पस से जो लोग होते हैं जैसे दूध दूध वाले, उन सबका तो रहता है अभी भी, मतलब दूध दूध देने वाले आते हैं, सब्जी वब्जी करने वाले आते हैं, पर उनका टाइम है सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक, 4 बजे तक, इतना ऐसा टाइम दे रखा है। हर जगह का अलग अलग टाइम है। और केजरीवाल ने यह भी कहा कि अपनी जो 24 आवर्स के केसेस हैं वो 1100 आ चुके हैं। और ये तो शायद अभी मैंने न्यूज देखी तो उसके अंदर 900 केसेस पर 24 आवर्स के हैं। उसके अंदर हमारे जो पॉपुलेशन है पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 1.5% आ रहा है। मतलब 100% में से 1.5% ही कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं या फिर डेथ हो जा रही है। कोई मतलब केसेस जो जस्ट अभी भी आए हैं, एक्टिव हैं, जो ठीक हो चुके हैं, उन सबको गिन के 1.5%। उसका मैं बता दूं आपको, जो ये लॉकडाउन लगा था इसके अंदर बहुत मतलब ये जो बियर शॉप वाइन शॉप जो भी सब कुछ बनती है वो सब खुल जाएगा। डेली पर्पज की सारी चीजें खुल जाएंगी। जैसे कपड़ों की दुकान अभी नहीं खुलेगी, अभी सलून, कपड़ों की दुकान और जैसे छोटी मोटी जैसे रेडी होती हैं जो इधर उधर जाते हैं, स्ट्रगलर्स होते हैं जो दुकान वाले, उनका अभी मतलब कुछ भी अभी पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं किया है केजरीवाल जी ने। और उसके बाद मैं आपको बता दूं तो कोर्ट, गवर्नमेंट के कोर्ट के सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका जो भी काम रुका होगा वो करवा सकता है। और यूपी में अभी कंफर्म नहीं है, पर यूपी में भी यही कहा जा रहा है 31 से लॉकडाउन खुल जाएगा यूपी के भी सारे काम। और हरियाणा में तो खुल चुका है, हरियाणा का सारा काम हो रहा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर भी खुल जाएगा दिल्ली में। और उसमें भी शिफ्ट के हिसाब से बुलाया जाएगा लोगों को कि सुबह वाली शिफ्ट में ये और शाम वाली शिफ्ट में ये। इसके अंदर बस यही बचा है बताने को। हाँ, ये मेन पर्पज इस वीडियो का यही था कि मैं आपको ये बता दूं कि जो नया अपडेट आया उसमें यही है कि अनलॉक हो जाएगा, पर ये नहीं कि सारा मतलब सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ नहीं खुलेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब डेली पर्पज की चीजें खुल जाएंगी। जैसे अभी कोई लेट जाता है मार्केट तो उसको मतलब बहुत सारी चीजें बंद रखती हैं। हाँ, और एक बार बात, जो शॉप है जिनकी, उनकी शॉप ऑड और इवन के हिसाब से खुलेगी। जैसे शॉप नंबर 1 मंडे को खुलेगी, शॉप नंबर 2 ट्यूसडे को खुलेगी, मंडे को नहीं खुलेगी शॉप नंबर 2। ऑड और इवन के हिसाब से मतलब पर्पज चलेगा इसका पूरा का पूरा। और केजरीवाल जल्दी से 2.0 भी लेके आएंगे, शायद 1.0 जैसा अनलॉक 1.0 कर रहे हैं वैसे 2.0 भी आएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होगा। पर मैं ये कहता हूँ कि भाई मास्क लगाओ बाहर जाओ तो, और ग्लव्स का भी यूज करो। आजकल तो जैसे ब्लैक फंगस भी फैल रहा है बहुत ज्यादा आंखों में, हाथ वात लगाते गंदे हाथ लगाने से, मिट्टी की जगह जहां पर खेत वेत में जाते हैं लोग वहां पर भी अभी ना जाएं और मास्क लगा के रहें हर टाइम, और स्टे होम स्टे सेफ रहेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ये इन्फॉर्मेशन और टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।